शौक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। यार शादी देख तुम्हें हैरान रह गया, बंदे की खुशी देख रहे हो तुम। आजकल इतनी खुशी से कौन शादी करता है ये बेचारे को। अब इसको ही देख लो, किस किस को गाली दे रही हो। ये एक केस नहीं है, 90% केस ऐसे ही है इंडिया में। अब इसको ही देख लो। अब इसको देख लो, इसका भी ये हाल है। शादी के बाद क्या हाल हो गया। शादी में लड़के लड़कियों करवाई बात चुके हैं भाई, नीली वाली तेरी पीली वाली मेरी। अब आप इसको देख लो। भाई साहब मैं कुछ बता नहीं सकता, कुछ लड़के इतने बड़े लुच्चे होते हैं ना, वो शादी में सिर्फ लड़कियों ही चक्कर में जाते हैं और लड़कियों को देखकर पैसे वाले इतने बन जाते हैं। आप खुद ही देख लो। अब बात कर लेते हैं डांसरों की। शादी में एक से बढ़कर एक डांस होते हैं। दूल्हे के घोड़े के ऊपर बैठकर डांस कर लेते हैं ताकि सबको ये पता लगे कि मतलब कि दूल्हे के खास हैं। आप ही देख लीजिए। शादी में कुछ डांसर पहुंचते हैं जिसकी सरकारी नौकरी होती है। उस सोचते हैं कि लोग हमसे पूछे तुम क्या करते हो, वो इसीलिए डांस के स्टेप से ही मतलब बताना चाहते हैं कि हमारी हमें काम करते हैं। अब आप बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के डांसर की। इनको पता है कि इनके अंदर इतने टैलेंट कूट कूट के भरा है, इनको पता है जनता कहाँ हंसेगी। आप ये देखिए, बात कर लेते हैं रस्मों रिवाज की। जिस शादी में रस्मों रिवाज ना हो किस बात की शादी। अब इसको देख लीजिए, इस दूल्हे को इसको दोस्तों ने समझा बुझा के इसके घर वालों ने भेजा है कि ऐसा नहीं, आपको ऐसा रेट करना पड़ेगा वहाँ। तो मैं समझता हूँ जिसको मतलब मास्टर ने 10 साल में नहीं सिखा पाया, वो घर वाले ने एक दिन में क्या सिखाएंगे। आप देख लीजिए। देखो अब मुंह उतर गए बेचारे का। अब इसको देख लो, इसके घर वाले ने समझा बुझा के भेजा है तुम्हारे साथ तुम्हारे सहेजा मजाक करेगी, तुमको पकड़ लेना छोड़ना नहीं है। इससे बात यही नहीं खत्म हो जाती, आप ये भी वीडियो देख लीजिए। भाई साहब बात कर लेते हैं कैमरामैन की। कैमरामैन बहुत मजे लेता है, ये जानबूझ के एक ही पोज कराता है। आप देख लीजिए। कुछ लड़कियों को इतना शौक होता है वीडियो बनवाने को, हमको लगता है उस शादी इसलिए करती है वीडियो बनवाने के लिए। देख लीजिए। हमको समझ नहीं आ रहा क्यों आज जबरदस्ती शादी कर रहे हो। अब आप ही देख लीजिए, इन दोनों में कोई खुश है क्या।
ये वीडियो देख कर मैं दंग रह गया। मुझे भाभी जी से सलूट है। अब बात कर लेते हैं विदाई की। अब तो पता ही नहीं चलता कि लड़की रो रही है घस रही है विदाई के समय। नहीं मामूली बात नहीं है, अपने घर वाले को छोड़ के जाना बहुत दुख होता है यार। आप ये वीडियो को देख ली कितना दुख होता है। भाई साहब आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। NBBS कॉमेडी नाम से चैनल है यूट्यूब पे, तो आप फटाक से जाइए सर्च कीजिए और आप ऐसी वीडियो देखने के लिए मत से जुड़िए।